नमस्कार सभी टीकमगढ़ जिले वासियों को टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने की बधाई शुभकामनाएं। हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने टीकमगढ़ के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का टीकमगढ़ जिले की जनता की ओर से अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की सौगात दी है। 260 करोड़ रुपए की उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं जनता को भी बधाई देना चाहता हूं और हमारी जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनको भी कोटि कोटि सा मैं बधाई देना चाहता हूं। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज खोले। अभी 2 महीने से तो मैं निरंतर जब भी मुख्यमंत्री से मिलता हूं, एक ही बात रखता था कि हमें टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। अभी प्रवास के दौरान हितानंद शर्मा जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव भी टीकमगढ़ आए थे, तो उनको भी मैंने निवेदन किया था कि टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज की बहुत ही नितांत आवश्यकता है, तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि टीकमगढ़ में शीघ्र मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने टीकमगढ़ को मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे आशा है कि टीकमगढ़ की विकास की गंगा जो बह रही है वो ऐसी निरंतरता से बहती रहेगी। उनका आशीर्वाद इस टीकमगढ़ पर बना रहेगा। और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय बीरन कुमार जी, जिनका भी इसमें हमें अभूतपूर्व सहयोग है, हमारे मंत्री हरिशंकर जी, जिन्होंने इसको मामला को विधानसभा में उठाया था और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी गया था, चूँकि केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और माननीय प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह किया, तो माननीय मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज को मध्य प्रदेश स्टेट फंड से 260 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने स्टेट फंड से टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। और हम अपने जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी को भी धन्यवाद देना चाहती है, जिन्होंने इसमें महती अभूतपूर्व भूमिका निभाई है और टीकमगढ़ में स्टेट फंड से मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दिलाई है। मैं अपने विधायक साथी भाई राहुल सिंह लोधी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए हमारा अभूतपूर्व सहयोग किया, हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ गए मिले। मैं हरिशंकर जी को, राहुल जी को, शिशुपाल जी को और आदरणीय मंत्री श्री बीरन कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं दीदी उमा भारती को भी देना चाहता हूं। दीदी उमा भारती जी ने मुख्यमंत्री से भी मेरे आग्रह पर बात की थी कि टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज खोला जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को तो पूरी जनता की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से, पूरे बुंदेलखंड की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने स्टेट फंड माने मध्य प्रदेश सरकार के स्टेट फंड से विशेष तौर से टीकमगढ़ को मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा की, उनकी स्वीकृति दी, आज कैबिनेट में इसमें मोहर लगा दी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का हृदय की गहराइयों से और उनकी पूरी कैबिनेट का हृदय की गहराइयों से टीकमगढ़ की जनता की ओर से आभार और साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज खुलवाने हमारा अभूतपूर्व सहयोग किया है, अपने विधायक साथियों का, आदरणीय मंत्री जी का और सभी जनप्रतिनिधियों का, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष अमित मुनारी का, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य।